Today our topic of discussion is principle of superposition. This is very important principle as far as electrostatics is concerned and as far as vectors are concerned. Principle of superposition electrostatics se vich saadi life nu bahut easy kar denda hai kyunki sanu pata hai hun tak कि जदों तक साढ़े को दो चार्जिस होंगे सी उन्हां दोनों चार्जिस विच एक दूजे करके की फोर्स लग रही सी या की फोर्स लगती है उन्हों असी केड़े लॉ दे नाल फाइंड कर लेंदे सी कूलम्स लॉ दे नाल। कूलम्स लॉ इज वेरी ईजी, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। बट लाइफ उदों मुश्किल च आउंदी है जदों तुहाडे कोल दो दी जगह तीन बन जांदे ने। तां जदों तीन चीज़ां आउंदियां ने उस चीज़ नूं कूलम्स लॉ कल्ला हैंडल नहीं कर सकदा। सो तीन साढ़े कोल जदों चार्जिस आ जांदे when we have more than two charges in electrostatics, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच, सो ऑन टू हजार, कितने मर्जी चार्जेस हो सकते हैं। तो ग्रुप ऑफ चार्जेस दे विच किसी एक चार्ज दे उपर बाकी चार्जेस करके होंगे असर नूं, असर केड़ा होएगा, लग रही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नूं फाइंड करना है, तो असीं किंदी हेल्प लैंदे आ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सो जस्ट रीड आउट दीज लाइन्स दैट इफ नंबर ऑफ चार्जेस आर इक्वल टू टू, फोर्स ऑन वन ऑफ दीज टू चार्जेस इज कैलकुलेटेड बाय कूलम्स लॉ, एंड वेन द नंबर ऑफ चार्जेस आर मोर देन टू, फॉर ग्रुप ऑफ चार्जेस टू फाइंड फोर्स ऑन one of the charges in the group, superposition principle is used. Now, what is the statement of the principle of superposition? That when there are number of charges, तुहाडे कोल मान लो 10 charges ने, the total force on a given charge, इन्हां 10 charges दे विचों तुसी किसे एक चार्ज नूं कंसीडर कर लैणे ते तुसी की करना है उस एक चार्ज दे उपर टोटल फोर्स फाइंड करनी है बाकी दे नौ चार्जेस करके। सो व्हेन देयर आर नंबर ऑफ चार्जेस द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्सर्टेड और एक्टेड ऑन द गिवन चार्ज बाय ऑल द अदर चार्जेस। तो उस एक चार्ज दे उपर बाकी चार्जेस तो जिहड़ियां फोर्सेस लगनगियां आपां उन्हां फोर्सेस दा की कैलकुलेट करांगे, वेक्टर सम। सो दिस इज द सुपरपोजिशन प्रिंसीपल। मोटे मोटे शब्दों जे आपां कहिए जो वैक्टोरियल सम है डिफरेंट फोर्सेस दा इन अ ग्रुप ऑफ चार्जेस, दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसीपल। ठीक है, सो लेट अस डिफाइन दिस थिंग बाय एग्जांपल्स। सो कंसीडर एन पॉइंट चार्जेस Q1, Q2, Q3, सो ऑन टू Qn। आपां क्योंकि 10 चार्जेस दी गल कर रहे हैं, सो लेट अस से n इज 10। सो ये सारे चार्जेस जड़े ने वो स्पेस दे विच किसे तरीके नाल डिस्ट्रीब्यूटेड ने। सो दिस इज डेमोन्स्ट्रेटेड इन दिस डायग्राम। सो इन दिस डायग्राम नाउ यू हैव वेरियस चार्जेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चूज एनी चार्ज अपॉन विच वी वॉन्ट टू फाइंड द टोटल फोर्स ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। इन्हों 10 चार्जेस चो तुसी कोई भी चार्ज कंसिडर कर लेना। तुसी इस एग्जाम्पल नूं इदां समझ सकदे हो, तुहाडे ग्रुप दे विच 10 जाने दे ग्रुप च इक तुसी हो, होर तुहाडे फ्रेंड्स ने, तुहाडे पेरेंट्स ने, तुहाडे ब्रदर सिस्टर्स ने, इन्हां सारयां दा तुहाडे ते की होएगा, असर होएगा, इफेक्ट होएगा। ठीक है, ते हरेक जो तुहाडे ग्रुप दे विच मैंबर है उहदा तुहाडे ते जिहड़ा इफेक्ट होएगा उह इंडिपेंडेंट होएगा बाकी बंदियां दे इफेक्ट्स तों। ठीक है, ते उहनां सारे इफेक्ट्स नूं, सारियां फोर्सेस नूं असीं टोटल किद्दां करांगे, by vector sum। ठीक है, सुमन नूं आपां इत्थे तुहानूं नाम दिंदे आ कि तुसी कौन हो जिहदे उत्ते चार्ज किन्ना आ Q1। ठीक है, इस चार्ज Q1 दे उपर एक होर चार्ज Q2 करके जो फोर्स आएगी, मान लो उहनूं आपां डिफाइन करदे आ बाय दिस वैक्टर F12। सिमिलरली Q3 भी Q1 दे उत्ते फोर्स लगाएगा ते उहदी डायरेक्शन की होएगी, टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। इसे तरीके नाल Q4, Q5, Q6, सो ऑन टू, क्योंकि असीं 10 चार्जिस दा ग्रुप लै रहे हैं समझण दे लई, सो Qn लास्ट चार्ज होएगा एंड दिस विल बी Q10 हेयर। तो Q10 दी डायरेक्शन किधर नूं हो जाएगी, टुवर्ड्स दिस। सो तुहाडे उपर जो बाकी चार्जिस करके फोर्सिस लग रही ने उन्हां दी जो डायरेक्शनज ने वह अलग अलग होंगियां फोर्सिस, क्योंकि वैक्टर्स ने तो उन्हां दी डायरेक्शनज असीं हर हाल च चूज करांगे ही। इस करके जिहड़ियां Q1 दे उत्ते वेरियस फोर्सेस अप्लाई हो रही ने उन्हां दी डायरेक्शनस की होणगियां, वेरियस डायरेक्शनस। नाउ वी वॉन्ट टू फाइंड अ टोटल फोर्स ऑन दिस चार्ज Q1, एंड अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन
the total force will be the vectorial sum of all these forces. So how can we write it down? Just see here. Now F12, we know that it is a force exerted on 1 due to 2. F13, force exerted on 1 due to 3, so on to F1n. So tuhade kol kinniya forces honge F12 to leke F1 10 tak, if we consider n to be 10. So what will happen according to the principle of superposition? Total force F1 on Q1, total force no si kidan represent kar rahe hain by vector F1. The total force hogi, the total force F1 on charge Q1 is the vector sum of individual forces F1 to F1 3 so on to, due to other charges. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ? ਵਿਕਟੋਰੀਅਲੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਚਾਰਜਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੋਰਸਿਸ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲਾਅ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ? ਪੋਲੀਗਨ ਲਾਅ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦ ਟੋਟਲ F1 ਹੇਅਰ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਨੋ ਦੈਟ F12 ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਸ 1/4 pi ਐਪਸਿਲਨ ਨਾਟ Q1 Q2 ਬਾਏ R12 ਸਕੁਆਇਰ into R21 cap. In the earlier figures or in the earlier topics, we have only used here single R. Kyunki assi single R utthe kyun use karde si? Kyunki sade kol do hi charges hunde si. But now there are many charges. Ek charge di baki de harek charge de naal different distance hai. Matlab parents tuhade nede ne but friends tuhade to dur ne. Theek hai? So here R12 is denoted as distance between charge Q1 and Q2. F13 ki ho jayegi, all the terms are similar, R13 square, R31 unit vector. So on to F1n, the similar formula. Let us see all these distances in the diagram which we have just done. So just see, this is charge Q1, this is Q2, and this is the direction of force F12, and R12 here representing the distance between these two charges. Similarly, R13 is representing the distance between Q1 and Q3 and so on. So we have various forces here. So the earlier formula F1 can be written like this. So you can see here that 1 2s and 2 1s goes in opposite order. So distances between the two charges have been represented by symbols 1 2, and unit vectors, they are always 2 1, 3 1, and so on to n1. Do remember that R12 is nowhere a direction, it is only a magnitude. We are giving it a symbol to represent distance between two charges. R12 is a distance between the first charge and second charge, first charge on which we are finding the force. Okay, so this was all about finding the total force on a given charge due to group of charges. So this was all about the principle of superposition. Thank you.